नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। चलिए शुरू करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात सबसे पहले करते हैं शर्मा जी की। मोदी वाले शर्मा जी को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। जब से वे आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के नेता बने हैं, यूपी की राजनीति में तूफान मचा है। जितने लोग उतनी बातें। कोई कह रहा है कि शर्मा जी योगी सरकार में गृह मंत्री बनाए जाएंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि उन्हें वित्त या फिर उद्योग मंत्री बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बात से अपने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का टेंशन बढ़ गया है। अब अगर मोदी जी वाले शर्मा जी डिप्टी सीएम बनाए गए तो दिनेश शर्मा का क्या होगा? क्या योगी सरकार में तीन तीन डिप्टी सीएम होंगे? कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है। उनकी जगह मोदी जी के शर्मा जी आ सकते हैं। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अब मोदी जी ने उनके लिए क्या सोच रखा है ये तो वही जाने, या फिर योगी आदित्यनाथ। बीते शुक्रवार की रात गोरखपुर से लौटने के बाद योगी जी ने लखनऊ में अपने घर पर यानी 5 कालिदास मार्ग वाले बंगले पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया। कुछ सीनियर पत्रकारों को बुलाया गया था, कुछ अधिकारी भी थे। मेन्यू में क्या क्या था इस पर बात फिर कभी लंबे विस्तार से करेंगे। आज तो चर्चा मोदी के सीएम से लेकर पीएम बनने तक 20 सालों तक साथ रहे शर्मा जी की। योगी से शुरुआती चर्चा कोरोना को लेकर हुई पत्रकारों की, लेकिन आखिरकार बात शर्मा जी की ही आ गई। सबके मन में बस एक ही सवाल था। एक पत्रकार ने योगी से पूछा, क्या शर्मा जी को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं? योगी मुस्कुराए और कहा, आप लोगों को तो ज़्यादा पता रहता है। मतलब साफ था कि योगी सवाल के जवाब से बचना चाह रहे थे। पत्रकार भला कहाँ मानने वाले। दूसरे ने पूछ ही लिया, शर्मा जी निवेश लाने में माहिर अफसर माने जाते रहे, फाइनेंस की भी अच्छी समझ है, इसीलिए मोदी ने उन पर इतना भरोसा किया, आप क्या सोचते हैं? तो योगी बोले, उनके इस अनुभव का उपयोग किया जाएगा। शर्मा जी का उपयोग कब, कहाँ और कैसे होगा ये तो मोदी और योगी ही जाने। दोनों की मुलाकात इसी 8 जनवरी को दिल्ली में हुई भी थी। तब तक आप सब गेस करते रहिए, अपने मन से तुक्का बिठाते रहिए कि आखिर शर्मा जी को क्या मिलने वाला है। चलिए, यूपी के शर्मा जी की तरह ही अचानक से बिहार में चर्चा में आ गए हैं अपने शाहनवाज जी, सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्हें पार्टी ने MLC का उम्मीदवार बना दिया। सबसे कम उम्र में अटल जी की सरकार में मंत्री बने शाहनवाज पहली बार MLC बनेंगे। सोमवार को नामांकन करेंगे वो। 3 बार सांसद रह चुके हैं। अचानक से उन्हें बिहार की राजनीति में भेजे जाने के फैसले से सब हैरान है। पता नहीं PM नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, लेकिन मान लीजिए, मैं ये सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ, इसके पीछे एक पॉलिटिकल लॉजिक भी है। मान लीजिए उन्हें बिहार की राजनीति में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? शाहनवाज मुस्लिम हैं, देश भर में लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। बिहार में 3-4 ही ऐसे BJP के नेता हैं जिनको देश भर के लोग जानते हैं, उनमें से शाहनवाज भी हैं। अब मैं बात कर रहा था, सोच लीजिए या फिर ऐसा हो कि कल को उन्हें बिहार का CM बना दिया गया। अभी तो नीतीश बाबू हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, BJP बड़े भाई के रोल में है, कुछ भी हो सकता है। अगर शाहनवाज हुसैन को BJP ने मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर क्या होगा? राजनीति की यानी बिहार में ही नहीं देश में BJP की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है, ये आप सब सोच और समझ सकते हैं। क्योंकि मोदी को लेकर के जो अल्पसंख्यकों में, खास में मुसलमानों में एक जो छवि है, शाहनवाज को बिहार का मुख्यमंत्री बना देने के बाद वो छवि टूट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, विपक्ष से बिहार में, कि आप तो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन हमने किया। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए एक थ्योरी भरी है मेरी कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। वैसे मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अब बात सर्वे वाली स्ट्रेटजी की। दिल्ली के CM आजकल इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आजकल साइलेंट हो गए हैं तो आप गलत हैं। केजरीवाल कभी शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। उन्हें तो वैसे भी अनार्किस्ट कहा जाता है। उनके दिमाग में हर समय पॉलिटिक्स चलता रहता है, वो चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। प्रशांत किशोर यानी PK अब उनके साथ तो नहीं है, आजकल ममता दीदी के साथ हैं, लेकिन केजरीवाल की टीम सर्वे का काम लगातार कर रही है, वो भी हर महीने। 4 राज्यों का हर महीने सर्वे हो रहा है इन दिनों, UP, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा। एक समय था जब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है, कई सर्वे भी ऐसा ही बता रहे थे उन दिनों, लेकिन बाजी मार ले गए कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह।
अब जब पंजाब के किसान आंदोलन पर हैं तो वहाँ की राजनीति बदल रही है और केजरीवाल की उम्मीदें फिर से जग गई हैं। उनका सर्वे भी कह रहा है कि पंजाब में सरकार बन सकती है, आम आदमी पार्टी नंबर एक पर चल रही है। अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव होने हैं। अरविंद ने 40 विधायकों की एक टीम यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बनाई है, लेकिन यूपी के सर्वे में पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। ये बात भी हौले हौले अरविंद अपने नेताओं से बताते हैं। कहावत सुनाई होगा आपने, चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर चले आए। कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं उस नेता की जिन्होंने इसी हफ्ते अपना हैप्पी बर्थडे मनाया है, लेकिन इस बार उनके जन्मदिन पर कोई धूम धड़ाका नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएसपी चीफ और यूपी की 4 बार सीएम रही मायावती की। राज्यसभा के पिछले चुनाव में छाती ठोक कर बहन जी ने कहा था, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी से भी सपोर्ट ले सकती। बड़ा हंगामा हुआ इस बात पर। 28 जनवरी को यूपी में फिर से एक बार एमएलसी के चुनाव हैं। अखिलेश यादव ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, एक की जीत तय है, दूसरे के लिए कुछ वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन बेचारी मायावती क्या करें, उनकी पार्टी के तो कुल 18 विधायक हैं, इनमें से भी 8 समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं। रामवीर उपाध्याय समेत 2 MLA बीजेपी के खेमे में हैं, जबकि सुखदेव राजभर बहुत बीमार चल रहे हैं और अपने बाहुबली मुख्तार अंसारी पंजाब के जेल में, आधिकारिक तौर पर वे भी बीमार हैं। बहन जी के लोगों ने एमएलसी चुनाव के लिए फॉर्म तो खरीद लिया, वो भी एक नहीं दो दो, लेकिन वोटों का जुगाड़ कहाँ और कैसे हो पाएगा। एक एमएलसी को जिताने के लिए कम से कम 33 वोट चाहिए। पिछली बार बीजेपी की मेहरबानी से बीएसपी ने राज्यसभा का चुनाव जीत लिया था, पर क्या इस बार भगवा का साथ मिल पाएगा। वैसे कहते हैं कि मायावती की माया अपरंपार है। प्यार के लिए लोग क्या क्या ना करते हैं, प्यार से बड़ा कोई एहसास नहीं। हीर राझा से लेकर लैला मजनू की कहानियां सुनी होंगी आप सबने। प्यार की रस्मों और कस्मों में लोग दुनिया न्योछावर कर देते हैं, है ना? आप मानते हैं कि नहीं? प्यार भी कई किस्म के होते हैं। माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, दोस्तों का भी, दोस्त यार का भी प्यार। लेकिन इसी प्यार से पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं यूपी के एक IPS अफसर। DIG रैंक के हैं, नोएडा में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है। खाकी वर्दी पर या फिर नेम प्लेट पर उनका नाम सिर्फ हिंदी में ही लिखा होता है, क्योंकि अंग्रेजी वाले नाम से प्यार, इश्क और मोहब्बत का पता मिल जाता है। कहते तो हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इस IPS अफसर के नाम को लेकर ही कई किस्से और कहानियाँ हैं। पाकिस्तान की एक मशहूर शायर होती थी परवीन शाकिर, उन्होंने लिखा है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो 2004 बैच के IPS अधिकारी लव कुमार के नाम का मसला भी कुछ ऐसा ही है। बचपन में वे अंग्रेजी में अपना नाम LAVA कुमार लिखते थे, तो सारे दोस्त उन्हें लावा कुमार कहकर चढ़ाते थे। फिर उन्होंने अपना नाम LAV कर लिया तो सब लाव कहने लगे। बेचारे करें क्या, आखिर में वे जिस बात से बचना चाहते थे वही करना पड़ा। प्यार की ताकत बड़ी मजबूत होती है ना, उसमें बहुत कुछ होता है। अब वे अपने नाम को अंग्रेजी में LOVE लव कुमार लिखते हैं। तो आज के लिए ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ दिलचस्प और गुदगुदाने वाली और पर्दे के पीछे वाली खबरों के साथ फिर अगले एपिसोड में आप सबके साथ हाजिर होंगे। आपको हमारा ये शो कैसा लगा बताते रहेंगे तो मुझे थोड़ी हौसला अफजाई होगी, ताकत मिलेगी। शुक्रिया।